तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है फाइनल कट कैसा निकल कर आया है, देख सकते हैं फुल मम्मी डैडी फुल, यानी कि जिसे कहते हैं कैंडी बच्चा बन गया। तो यार बनना तो चाहते हैं कि मम्मी डैडी बच्चा बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, हाजी अमजद बन गया हूँ मैं। हाजी न्यूटन मतलब फेसबुक पे देखो तो आप बड़ा लशपश, बड़ा मॉडल टाइप, इंस्टा पे देख लो, लेकिन यार पता नहीं क्या है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ मैं। कुछ जब इंसान अपनी ज़िंदगी में नया करता है कि मतलब आप देखते हो कि आप अपना ख़त नया करवाते हो तो यार मम्मी डैडी फुल चौकस हो जाते हैं। तो यही मेरा सीन है, मैं बाबा बनाऊँ इस वजह से मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था दो तीन दिन से, तो अब करना है चेंज। सो के जब उठता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे हाजी असलम हूँ मैं, मतलब 50 साल का बाबा। यार अब इसको चेंज करना है, टाइम आ गया कि इसको चेंज करे, या तो मैं शेव करा दूँगा या मैं प्रिंट करवा दूँगा। बहुत बुरा लग रहा हूँ, बहुत बुरा, 4-5 दिन खुद को देख रहा हूँ, देखा नहीं जा रहा यार, तो करते हैं कुछ। तो यार अपनी हालत को देखते हुए मैंने सुबह फिर फ़ोन किया अपने भाई जॉन भाई को, जो कि मेरे हेयर ड्रेसर हैं, ठीक है, जिनसे मैं कटिंग वगैरह करवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अभी तो टाइम नहीं है, अगर तुमने आना है कटिंग करवाने या ख़त करवाने या शेव करवाने तो तुम आ जाना रात को। तो इस टाइम जो है वो 10 बज चुके हैं, तो उन्होंने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, मैंने उन्हें कॉल किए, वो कह रहे हैं आ जाओ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस टाइम जाने लगा हूँ वहाँ पर, तो रेडी हो जाते हैं उसके लिए। तो यार असल में आपको पता है मैं सादा सा बंदा हूँ, कोई ज़्यादा जो है वो फैशन वगैरह तो हम करते नहीं हैं, सादा सी पैंट शर्ट बस, सादा सी हर चीज़, तो पेंडू बंदे हैं, शूज़ पहनी हैं हमने, और जो है मैं रेडी हूँ इस वक्त निकलने के लिए। तो करते हैं अपनी जो मस्टडीज़ है उसको सलफ मारते हैं और चलते हैं। तो यार ये खड़ी है पीछे हमारी मस्टडीज़, आप देख सकते हैं होंडा 70 हमारी मस्टडीज़ है, तो चलिए निकलते हैं। तो यार मैं पहुंच चुका इस टाइम जॉन के पास। जॉन भाई सलाम करो। सलाम भाई। तो जॉन भाई से मैं कटिंग करवाता हूँ यहाँ पर, तो आज देखते हैं ये हमारी शेव किस तरह से करते हैं। जॉन भाई शेव कर लेनी चाहिए थी कि नहीं करते हैं? जॉन भाई यार बताओ हमें जो है कट करना चाहिए या शेव करनी चाहिए या कटिंग करनी चाहिए? कट करना चाहिए। नहीं नहीं यार उसमें मैं बाबा हूँ मैं, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ मॉडल, चिकना कैंडी बच्चा। तो यार हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो महसूस हो रहा है पता नहीं क्या होगा शेव के बाद, अंदर से कैसा कैंडी बच्चा निकलेगा या फिर बाबा निकलेगा। जॉन भाई बाबा निकलेगा या कैंडी निकलेगा? ये तो आप करके पता लगेगा। चलो देखते हैं बाबा निकल रहा है कैंडी निकल। अभिनंदन बनाते हैं मेनू, अभिनंदन।
यार अभी देखो ये खत जो है वो सारा उतार दिया है, लेकिन अभी लेज़र फिरनी है, अभी चिकना मैंने बनना है। ये अभी सिर्फ उसने मशीन फेरी है, ठीक है, मशीन से ये सिर्फ बाल जो हैं वो उतरे हैं। अभी जब लेज़र फिरेगी तो फिर असल पता चलेगा क्या निकलता है नीचे से। अभी लेज़र लगाना है, उसके बाद कटिंग करनी है अभी से। तो कटिंग के बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हाजी वापस आ जाएगा, दोबारा हम मम्मी डैडी कैंडी बन जाएंगे। हैं कैंडी की फुल कैंडी। अच्छा स्टाइल स्टाइल बन के देखिएगा बाल किस तरह के हो जाते हैं। कटिंग हो गई है सारा कुछ। सकते हैं हमारा जो है फाइनल कट कैसा निकल कर आया है, देख सकते हैं फुल मम्मी डैडी फुल, यानी कि जिसे कहते हैं कैंडी बच्चा बन गया हूँ। ठीक है, जब मैं आया था यहाँ पर बाबा था पहले, रशील लग रहा था कि अमजद लग रहा था, लेकिन अब जो है मैं फुल हाजी लग रहा हूँ, फुल कैंडी बच्चा। तो सबसे पहले जो है बहुत शुक्रिया जॉन भाई का, जॉन भाई थैंक यू, आपने जो है इतना यानी कि हमारा कैंडी में बनाने में हमारा जो है बहुत साथ दिया है। तो बाकी फिंगर मैजिक स्टोर है यहाँ पर कोहनूर में, ठीक है, यहाँ पर ही हमने जो है किया सारा कुछ। तो जिस भाई ने इस तरह के बाल करवाने हों, ठीक है, कटिंग करवानी हो अच्छी, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं।